दिल्ली तक सीमित आम आदमी पार्टी इन दिनों उत्तराखंड की जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उत्तराखंड पहुंचे और वहां के सरकारी स्कूल का जायजा लिया। ये है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जिन्होंने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों का जायजा लिया है। दरअसल मनीष सिसोदिया ने उत्तराखंड के मंत्री मदन कौशिक को केजरीवाल मॉडल पर खुली बहस का निमंत्रण दिया था, लेकिन मदन कौशिक वहां नहीं पहुंचे, जिसके बाद मनीष सिसोदिया खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की विधानसभा पहुंचे और वहां के सरकारी स्कूल का जायजा लिया। मैं आज उत्तराखंड आया था और उत्तराखंड में ये देखने आया था कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और उनके मंत्री मदन कौशिक जी ने जो काम कराए हैं, स्कूलों पे जो काम हुए हैं, उस पर अस्पतालों पे जो काम हुए हैं, बिजली पानी पे जो काम हुए हैं, उस पर कुछ बहस होगी, लेकिन बहस में तो वो मंत्री जी कह के पीछे हट गए। और अब जो मैं सोचा कि जाते जाते एक स्कूल भी देख लें, तो ये मुख्यमंत्री जी की विधानसभा है, यहाँ का ये स्कूल है सड़क के किनारे, इसलिए इसको मैं देखने आ गया। यहाँ मैं देख रहा हूँ स्कूल तो खैर जैसा है सो है ही है, इस गांव के बच्चों को मजबूरी में, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल ख़राब किए गए और फिर प्राइवेट स्कूल खोले गए, प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ना पड़ रहा है मोटी फीस दे के। गवर्नमेंट स्कूलों की हालत ये कर दी गई है कि कोई आदमी अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता नहीं। फिर थोड़े दिन बाद कहेंगे जी स्कूल ये बंद करना पड़ रहा है क्योंकि लोग आते नहीं इसमें पढ़ने, इसलिए इसको बंद कर दिए जाएंगे। उत्तराखंड में हज़ारों स्कूल बंद किए हैं इन्होंने, हज़ारों स्कूल बंद करके छोड़ दिए ये कहते हुए कि साहब गवर्नमेंट स्कूल में कोई पढ़ने नहीं आता। अब मुझे बताइए, अगर ऐसा स्कूल मुख्यमंत्री की विधानसभा में है, पूरे उत्तराखंड में तो जो उन्होंने किया होगा, अपनी विधानसभा के स्कूल को ठीक नहीं करवा पाए मुख्यमंत्री जी, यहाँ तो ऐसा कर देते कि प्राइवेट स्कूल से लोग निकाल के अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में लाते। यहाँ तो जिसके बच्चे पढ़ रहे होंगे वो भी सोच रहे होंगे भाई किसी से तरह से हमारा जुगाड़ लग जाए, हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज देंगे। तो मुख्यमंत्री जी अपनी विधानसभा में तो कम से कम कुछ स्कूल कर देने चाहिए थे ठीक। बड़ा अफसोस है कि उत्तराखंड के बच्चों के भविष्य के साथ खेल रही है त्रिवेंद्र रावत सरकार और उनके पेरेंट्स को मजबूर कर रही है कि वो अपने बच्चों को महंगे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाएं, जबकि टैक्स लेती है इन स्कूलों को ठीक कराने के लिए। वही गांव के प्रधान का कहना है कि आप पार्टी राजनीतिक रोटियां सेक रही है, परंतु आधा अधूरा ज्ञान उनको था, क्योंकि मेरी परम पत्नी यहाँ से श्रीमती परमजीत कौर ग्राम प्रधान है और हमें मेरे कार्यकाल को अभी एक साल पूरा हुआ है और उस दौरान सीएम साहब के द्वारा यहाँ पर बहुत सारे काम हुए हैं, जैसे कि उसमें करोड़ों के बजट से यहाँ पर 16 साल बाद रोड बनी है, कहीं पर आज़ादी के बाद रोड बनी है, कहीं पर पानी की समस्या को लेकर दो दो नलकूपों का यहाँ पर 3 करोड़ की योजनाएँ यहाँ पर अभी चल रही हैं। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर काम बहुत सारे सीएम साहब के द्वारा हो रहे हैं, परंतु एक बिंदु को टारगेट करके नीचा दिखाने के लिए सरकार को मनीष सिसोदिया जी यहाँ पर आएँ। अगर आप, आपका स्वागत है, आप आइए, आपके कार्यकर्ता आप यहाँ पर आएँ, परंतु राजनीतिक रोटियाँ सीखने के लिए ना आएँ। जो आप अगर नीचा दिखाने की सरकार की कोशिश कर रहे हो, आप खुद एक भवन का निर्माण यहाँ पर करके जाएँ, तब हम तभी हमें लगा कि आप राजनीतिक रोटियाँ सीखने नहीं आए हैं। इससे पहले भी मनीष सिसोदिया लखनऊ गए थे और वहाँ के सरकारी स्कूलों का जायजा लिया था। बता दें उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस बार आप पार्टी उत्तराखंड में चुनाव लड़ने की तैयारी में है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने पहले ही इस बात की घोषणा कर दी है और अब डिप्टी सीएम के इस दौरे से साफ है कि आप पार्टी पहाड़ी राज्यों में झाड़ू चलाने की तैयारी में है। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए करुणा ठाकुर के साथ कुलदीप रावत की रिपोर्ट, देहरादून।